राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर रेड ऑरेंज और येलो अलर्ट। 16 जिलों में आज होगी बारिश। अरब सागर में उठा भारी चक्रवात बिपरजॉय का असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में आज और कल भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसे लेकर मौसम विभाग के अंदर जयपुर ने राजस्थान के कई जिलों के लिए रेड ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सरकार व प्रशासन ने भी संभावित इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए। मौसम विभाग के अनुसार कुछ जिलों में 204 mm से भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं इससे पहले कल भी यहां पर राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से यहां पर जानकारी दी है और आज भी प्रदेश के 16 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज यानी 16 जून को लेकर बीकानेर और जालौर और 17 जून को लेकर बीकानेर और जोधपुर नागौर जिलों में पाली जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 204 mm तक बारिश यहां पर होने के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा जैसलमेर और जोधपुर पाली जालौर और बीकानेर अजमेर राजसमंद उदयपुर और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही यहां पर 115 से 204 mm तक बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने आज बीकानेर राजसमंद सिरोही उदयपुर और कल चूरू जयपुर टोंक बूंदी चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इन जिलों में 64 mm से लेकर 115 mm तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही आज मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें येलो रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा इन इलाकों में राजस्थान में जिन जिलों में बारिश होगी उनमें यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। वहीं भारी बारिश की संभावना को भी सरकार ने प्रभावित जिलों के एडवाइजर और पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कुछ जिलों में मनरेगा के कर्मचारी की भी यहां पर आज और कल 2 दिन छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से यहां पर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क जो है वो किया जा रहा है। बता दें आपको कि राजस्थान में लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो चक्रवाती तूफान जो है बिपरजॉय उसके असर के कारण राजस्थान के कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही है। वही बेमौसम बारिश से यहाँ पर कई इलाकों में किसानों को यहाँ पर जो लोग हैं उनको राहत मिली है। तो वही किसानों को यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर अब किसान जो है खेती यहाँ पर जो खेती काम में जो है जुट गए हैं। मानसून को लेकर अभी जो खबर निकल के आ रही है राजस्थान को लेकर, तो मानसून को लेकर यही खबर है कि राजस्थान में मानसून की एंट्री जो है जुलाई महीने में होने वाली है। जुलाई महीने के शुरुआती यानी पहले सप्ताह में राजस्थान में मानसून की एंट्री होने के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। अभी मौसम विभाग की जानकारी दी गई है उसके अनुसार 15 से 18 जून तक राजस्थान में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और चौकेदार हवा चलने के साथ ही कुछ इलाकों में यहाँ पर जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। यानी अलग अलग तरह का अलर्ट जो है जारी किया गया है। बता दें आपको कि जो चक्रवाती तूफान जो है बिपरजॉय उसकी वजह से गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। अब राजस्थान में भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं और इसके अलावा एमपी और महाराष्ट्र में भी कुछ एक इलाकों में जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके कारण हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली उसके मुताबिक आने वाले 4-5 दिन तक जो है इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर रहने वाला है और इसके कारण बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है।